विराट कोहली और गौतम गंभीर एक साथ सालों क्रिकेट खेले, फिर आईपीएल में टक्कर के कारण भी बरसों पहले चर्चा में आए थे। दो दिग्गजों के बीच फिर गुस्से की आग भड़की है। आखिर क्यों दोनों के बीच मैदान पर तू तू मैं हुई? हर क्रिकेट फैंस इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे होंगे। आईपीएल 2023 में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच हुए मैच को बड़ी आसानी से आरसीबी ने जीत लिया और पिछले मैच में लखनऊ से मिली हार का हिसाब भी चुकता कर लिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि गंभीर और विराट सालों साथ में क्रिकेट खेले, वो मैदान में भिड़ गए और साथ ही खिलाड़ियों को इन्हें अलग करने को आना पड़ा। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच भले ही ये विवाद सोमवार को लखनऊ में हुआ हो, लेकिन इसकी नींव तो 20 दिन पहले ही बैंगलोर के चिन्नम स्वामी स्टेडियम में रख दी गई थी। दरअसल बीती 10 अप्रैल को दोनों टीमों के बीच बैंगलोर के चिन्नम स्वामी स्टेडियम में टक्कर हुई थी और लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 16वें सीजन में सबसे रोमांचक रन चेस करते हुए 213 रन बनाकर विराट की टीम को आरसीबी को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हरा दिया था। इस जीत के बाद भी कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे जिसमें गौतम गंभीर पूरे जोश में जीत का जश्न मना रहे थे। इतना ही नहीं, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के गेंदबाज आवेश खान ने तो जीत के बाद अपना हेलमेट तक जमीन पर पटक मारा था। इतना ही नहीं, जीत के बाद लखनऊ टीम के मेंटोर गौतम गंभीर की मुंह पर उंगली रखी तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें वो स्टेडियम में बैठे आरसीबी के फैंस की तरफ मुंह बंद रखने का इशारा कर रहे थे। इसे लेकर गंभीर को बहुत आलोचना भी सहनी पड़ी। बीती रात 127 रन के लक्ष्य का बचाव करते वक्त विराट कोहली सुपर जॉइंट्स का हर विकेट गिराने के बाद जिस जोशीले अंदाज में जश्न मना रहे थे, इसे कोहली के गंभीर को जवाब के तौर पर ही देखा गया। मैच के दौरान एक नहीं बल्कि कई मर्तबा कोहली ने ऐसा किया और जब मुकाबला आरसीबी ने एक तरफा अंदाज में जीता तो शायद ही किसी ने सोचा कि ऐसा कुछ होगा जो 10 साल पहले की यादें ताज़ा कर देगा। विराट कोहली और गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज हैं, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ऐसे में दिग्गजों का मैदान पर ऐसा बर्ताव करना कहीं ना कहीं खेल भावना को खाक करने जैसा है।